इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन का गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करेंगे और डिजी लॉकर एप्लीकेशन को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पे हम सिंपली डिजी लॉकर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है सजेशन में, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजी लॉकर आ चुका है और इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिजी लॉकर जो है फर्स्ट में ही आ चुका है, ठीक है। इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल का बटन देखने को मिल रहा है, इसे आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना लैंग्वेज चूज करना है, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप लोग यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करोगे। आप अपना रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे बार बार आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लेट्स गो का एक बटन देखने को मिल रहा है, इससे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है और साइन इन का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आप लोग क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाता है, इसे आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप भरना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना नेम भरना है, ठीक है, जो कि आधार कार्ड में होगा आपका जो नेम, वही आप लोगों को यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लोग ईयर सिलेक्ट करेंगे अपना। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेल फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है अपना। सो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन सेट करना है। सो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैसा आप लोगों को ये सिक्योरिटी पिन सेट करना है, एक एग्जांपल के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है। आप लोग अपने मन से ये 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोगों को भरना है। इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, देन यहाँ पे सबमिट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल हमने फिलअप कर दिया है प्रॉपरली, इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया है, सिंपली आप लोगों को अपने फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सबमिट का बटन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, जिसे आप लोगों को इंटर करना है। इसके बाद आप लोगों का अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे साइन इन के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है इसी पेज पे आ जाएंगे, या फिर आप लोगों के सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे साइन इन का जो बटन है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए थे वही मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपली आप यहां पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे यहां पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया था उसे आप लोगों को यहां पे इंटर करना है। इसके बाद यहां पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आप जो है लॉग इन कर जाओगे डिजी लॉकर एप्लीकेशन में। इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका आधार कार्ड रहेगा, यहाँ पे आपका DP शो होगा और आपका यहाँ पे नेम शो होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के बाद, लॉग इन कर लेने के बाद, आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन से ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप लोगों के नाम पे इशू होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है इशू कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। और इस एप्लीकेशन में आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू करोगे, ये जो है ओरिजिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, ओरिजिनल ही माना जाता है। सो आप अगर कहीं डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए हैं तो आप दिखाकर इसे काम चला सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के और अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।